दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ देखिए ये तो हमारी ड्यूटी है सम्मान मिले या ना मिले ये मैडम का बड़प्पन है कि वो मुझे सम्मान देने आई है बाकी इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये तो हमारी ड्यूटी है और हम अगर आज ही काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा डॉक्टर बनना किस काम का हम कब काम करेंगे यही हमारा समय है काम करने का उन्होंने सम्मान दिया है इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ हमारा उत्साहवर्धन ज़रूर होता है परंतु उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है इसकी मुझे लगता है शायद आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी करने के लिए हमें करना ही चाहिए इस टाइम पे। मैं डॉक्टर माया कौशिक श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी से कोरोना की इस महामारी में हमारे सभी डिस्पेंसरीज के डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक थे उन्होंने दिन रात एक करके इस कोरोना के समय में कोरोना के मरीजों की दिन रात सेवा की है उसी के चलते हम लोग आज यहाँ श्रीनगर डिस्पेंसरी पर आए हैं और पूरा स्टाफ कोरोना की लड़ाई को आज भी लड़ रहा है वो कैसे लोगों के जीवन बचाने में दिन रात एक किए हुए हैं उस बात को लेकर के आज यहाँ उनका उत्साह वर्धन करने के लिए उनको एक छोटे से सम्मान के रूप में उनको सम्मानित करने के लिए हम यहाँ आए हैं पूरे अजमेर दक्षिण की जो 10 डिस्पेंसरीज हैं उन सभी 10 डिस्पेंसरीज को आज हम सम्मानित करने वाले हैं और उसी के क्रम में सबसे पहले यहाँ विजय पोलो क्लिनिक जो श्रीनगर रोड पे है उसमें हमने सम्मान का कार्यक्रम रखा है ये जो हॉस्पिटल है ये वेलनेस सेंटर्स की कैटेगरी में भी आता है और वेलनेस सेंटर भी यहाँ संचालित होता है टीबी के जांच और टीबी के मरीजों का उपचार भी यहाँ होता है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिस तरह से वर्किंग करता है उस तरह से ये डिस्पेंसरी वर्किंग कर रही है और पर डे यहाँ पर 200 से 250 लोगों का आउटडोर होता है मरीज आते हैं विभिन्न प्रकार के टीकाकरण यहाँ होते हैं और आसपास के पूरे क्षेत्र को ये डिस्पेंसरी कवर करती है तो डॉक्टर साहब को भी बधाई देती है और उनकी समस्त स्टाफ को नर्स को कार्मिकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि उसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें